हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th साइंस का सैंपल क्वेश्चन पेपर, लेकिन हम लोग फुली सॉल्व नहीं करेंगे। वी आर गोइंग टू डिस्कस ओनली 5 क्वेश्चंस। सेक्शन ए के 5 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर करेंगे, तो लेट अस स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो ये मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है, आपका सैंपल क्वेश्चन पेपर क्लास 10th साइंस के लिए। सेक्शन ए है, जिसमें हम लोगों को 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं हर क्वेश्चन में, एंड वी हैव टू सेलेक्ट एंड राइट वन मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, यानी कि जो सबसे सही ऑप्शन है वो हम लोगों ने चूज करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको यहाँ पे दो या दो से ज्यादा ऑप्शन सही लग सकते हैं, लेकिन आपने सबसे ज्यादा जो सूटेबल आंसर है वो टिक करना है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास, थोड़ा सा यहाँ पे करेंगे अपन। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है, द चेंज इन कलर ऑफ द मॉइस्ट लिटमस पेपर इन द गिवन सेटअप इज ड्यू टू। एक सेटअप दिया हुआ है और आपको बताना है कि लिटमस पेपर जो मॉइस्चर वाला था, जिसमें आपने वाटर ऐड किया था वीकेंड से, उसका कलर चेंज हुआ वो क्यों हुआ। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो जो ये एक्टिविटी का जो डायग्राम है उसमें क्या क्या चीजें ली गई है, कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4, देन सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl। तो इसी को देख के आप लोग जिन्होंने बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, वो गैस कर लेंगे कि ये प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस की रिएक्शन जो है वो दी जा रही है, साथ में सोडियम सल्फेट भी बनता है। तो अब इसमें क्या चीज हो रही है कि लिटमस पेपर का जो कलर है वो चेंज हुआ। तो क्यों चेंज हुआ, क्योंकि वहां पर एसिड था और हमें पता है जो एसिड है वो मॉइस्चर की प्रेजेंस में एच पॉजिटिव आयन रिलीज करता है। तो ये हमारा मतलब है इसका ऑब्जर्वेशन। तो लेट अस सी कि इनके ऑप्शन क्या क्या है। देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ एसिड, ये तो बात बिल्कुल सही है, एसिड की प्रेजेंस तो है ये, दैट इज HCl। प्रेजेंस ऑफ बेस, बेस नहीं है यहाँ पे तो इसको कट करेंगे। प्रेजेंस ऑफ एच पॉजिटिव आयन इन द सोल्यूशन, ये पॉइंट भी सही है। प्रेजेंस ऑफ लिटमस विच एक्ट एज एन इंडिकेटर, ये नहीं है क्योंकि लिटमस तो इंडिकेटर का काम करेगा, तो कलर चेंज होने की ये वजह नहीं है। तो मतलब कि फर्स्ट और थर्ड पॉइंट जो है वो दोनों सही है, लेकिन अगर हम लोग बात करें, एक एसिड अपनी एसिडिक प्रॉपर्टीज तभी शो करेगा अगर उसके पास मॉइस्चर होगा और इट विल रिलीज एच पॉजिटिव आयन इन द सोल्यूशन। तो इसका मतलब क्या है, सिर्फ एसिड का होना जरूरी नहीं है, एसिड को एच पॉजिटिव आयन रिलीज करना भी जरूरी है। तो इसका मतलब है जो ऑप्शन नंबर 3 मिला हुआ है वो ज्यादा अप्रोप्रिएट है, ज्यादा सही है, इसीलिए हमें 1 का यहाँ पे क्या आंसर लगाना है, 3 लगाना है। अकेला एसिड का प्रेजेंट होना कलर चेंज नहीं कर सकता, मॉइस्चर उसको चाहिए तभी वो एच पॉजिटिव आयन रिलीज करेगा। ओके गुड, चलिए अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन, ओके यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए थे, सॉरी, तो ऑप्शन थे ओनली 1 एंड 2, जी नहीं ये तो गलत है, ओनली 2 ये भी गलत है, ओनली 3, ओनली 4। तो यहाँ पे ऑप्शन सी को करेक्शन मिलेगा। तो ये इसका मतलब ए बी सी डी के अकॉर्डिंगली ऑप्शन जो सी है वो सही आएगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ थर्ड पॉइंट ही हमारे आंसर के साथ प्रॉपर मैच कर रहा है। ओके नेक्स्ट वन, इन द रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो रहे हैं, ये रिएक्शन आपको दी हुई है, एनसीईआरटी बुक में बिल्कुल आपके पास है। तो 4 ऑप्शन हमारे पास आ रहे हैं, तो लेट अस सी क्या क्या ऑप्शन है। तो पहले 4 ऑप्शन हम अपने सामने ले आते हैं। ओके, तो ऑप्शन इज MnO2 इज रिड्यूस्ड टू MnCl2 एंड HCl इज ऑक्सीडाइज टू वाटर। तो पहला ऑप्शन है कि जो मैग्नीज डाइऑक्साइड है वो रिड्यूस हुआ है मैग्नीज क्लोराइड में, और जो HCl है वो ऑक्सीडाइज हो गया है वाटर में। तो ये जो स्टेटमेंट है ये तो बात गलत है, ऐसा नहीं हो रहा है, जो HCl है वो वाटर में ऑक्सीडाइज नहीं होता क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा है, तो ये पॉइंट गलत है। MnO2 इज रिड्यूस टू MnCl2, MnO2 का रिडक्शन हो रहा है बिल्कुल, क्योंकि इसने ऑक्सीजन लूज कर दिया, ये तो बात सही है, एंड HCl इज ऑक्सीडाइज टू क्लोरीन, तो क्लोरीन में ऑक्सीडाइज हो रहा है HCl, तो ये बात बिल्कुल सही है, HCl ने हाइड्रोजन लूज कर दिया, जब हाइड्रोजन लूज होता है तो उसे भी अपा ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो ये बी स्टेटमेंट तो ओके है। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ पढ़ेंगे, तब तो पता चलेगा हमें। सी ऑप्शन है MnO2 इज ऑक्सीडाइज, ये तो गलत है,
ऑक्सीजन इसने लूज किया तो कभी ऑक्सीडेशन नहीं होगा, तो काट ही लगा दो। डी ऑप्शन में भी यही कह रहा है कि MnO2 इज ऑक्सीडाइज, तो ये भी बिल्कुल गलत है। तो ओनली ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, सिर्फ ऑप्शन बी को ही जो है वो हमारी तरफ से हाँ मिलेगी, तो इसलिए इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी आएगा। ओके चलिए नेक्स्ट वन चलते हैं पापा। नेक्स्ट अगेन एक डायग्राम दिया हुआ है आपको, मैग्नीज डाइऑक्साइड आपकी बुक में एनसीईआरटी का ये फर्स्ट डायग्राम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑब्जर्वेशन, कौन सी ऑब्जर्वेशन सही है जो कि इस सेटअप से आपको दिख रही है, तो चलिए देखते हैं कि कौन सी ऑब्जर्वेशन सही हो सकती है। चार पॉइंट पढ़ते हैं। ब्राउन पाउडर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म, बिल्कुल गलत है। मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो कलर है वो व्हाइट होता है, तो ये ब्राउन पाउडर की बात कर रहे हैं, दिस इज रॉन्ग। कलरलेस गैस विच टर्न्स लाइम वाटर मिल्की इज इवॉल्व, लाइम वाटर को मिल्की कार्बन डाइऑक्साइड कर सकता है, और जो मैग्नीशियम बर्न होता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद ब्रिलियंट व्हाइट लाइट, बिल्कुल हमें पता है कि बहुत ही डेजलिंग व्हाइट फ्लेम के साथ बर्न करता है, तो इसीलिए ऑप्शन सी करेक्ट वन है। रेडिश ब्राउन गैस विद स्मेलिंग ऑफ बर्निंग सल्फर हैज इवॉल्व, सल्फर की तो बात ही नहीं हो रही, सल्फर कुछ होएगा नहीं यहाँ पे, तो इसीलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। बहुत ही आसान क्वेश्चन, लेकिन सिर्फ उनके लिए जो कंटिन्यूसली हार्ड वर्क कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फोर, विद रेफरेंस ऑफ फोर गैसेस, चार गैसेस हैं कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरीन एंड ऑक्सीजन, तो कौन सा ऑप्शन जो है वो टेबल में दिया गया सबसे सही है। ओके फर्स्ट ए पे चलते हैं। एसिडिक ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एसिडिक ऑक्साइड होता है, ये न्यूट्रल होता है, तो ये आप इसको इधर से कट कर रख सकते हो, लेकिन अगर आपको नेचर नहीं पता आप नेक्स्ट कॉलम की तरफ चले जाओ। यूज इन वाटर ट्रीटमेंट, तो क्लोरीन यूज करता है, मतलब क्लोरीन का यूज किया जाता है पानी को साफ करने में। प्रोडक्शन ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन का एक प्रोडक्ट ऑक्सीजन है, ये गलत है, हमें पता है हम लोग रिस्पायर करते हैं, तो कौन सी गैस रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, तो यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हो, दिस इज रॉन्ग। सेकेंड एसिडिक ऑक्साइड है कार्बन डाइऑक्साइड, ये सही बात है। क्लोरीन ट्रीटमेंट में यूज करते हैं, ये भी सही बात है। रेस्पिरेशन का प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड है, सही बात है। अगर इनकम्प्लीट कंबशन होता है तो प्रोडक्ट क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड होगा, ये बात भी बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन बी जो है वो सबसे स्ट्रीक है, सबसे करेक्ट वन है, लेकिन सी भी पढ़ेंगे। CO2 एसिडिक है, ओके। ऑक्सीजन को पानी के ट्रीटमेंट में यूज करते हैं, यहीं से गलत हो गया, पानी को साफ करने के लिए ऑक्सीजन का कोई रोल नहीं है, और ऑप्शन डी में भी यही चीज है कि ऑक्सीजन को पानी के ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जा रहा है, तो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग, तो CO2 जो है यहाँ पे की कहानी खत्म हो गई, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। ओके जी नेक्स्ट वन करें। फिफ्थ वन, ऑन प्लेसिंग अ कॉपर कॉइन, एक कॉपर कॉइन आपने प्लेस किया है एक टेस्ट ट्यूब के अंदर कंटेनिंग फेरस सल्फेट सॉल्यूशन, फेरस सल्फेट सॉल्यूशन FeSO4 जो ग्रीन कलर का है, और अपने कॉपर प्लेस कर दिया है, इट विल बी ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्वेशन आएगी, टर्न्स ब्लू ग्रे सब्सटेंसेस डिपॉजिटेड ऑन द कॉपर कॉइन, सल्फेट का सॉल्यूशन ब्लू कलर का हो जाएगा और कॉपर कॉइन के ऊपर ग्रे सब्सटेंस आ जाएगा, बिल्कुल ही गलत है जी, क्योंकि ये तो अदला बदली तब होगी अगर कॉपर ज्यादा रिएक्टिव होता, तो यहाँ पे तो नो रिएक्शन है, कोई रिएक्शन नहीं होने वाला, बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन आयरन, ये डिस्प्लेस नहीं करेगा आयरन को, तो ऑप्शन ए इज कम्प्लीटली गलत। टर्न्स कलरलेस एंड ग्रे सब्सटेंसेस डिपॉजिटेड, ये भी गलत है जी, कोई सॉल्यूशन के कलर में चेंज नहीं आने वाला, ग्रीन का ग्रीन ही रहेगा, टर्न्स कलरलेस, मुझे आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ये भी स्टेटमेंट जो है वो काटी लग जाएगी। रिमेन्स ग्रीन विद नो चेंज इन द कॉपर कॉइन, यस, क्योंकि कॉपर इज लेस रिएक्टिव, ना कॉपर पे कोई इफेक्ट होना है ना सोल्यूशन पे इफेक्ट होना है, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट वन। तो आई होप कि आपके 5 क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।